नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। जी हाँ, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा, बहुत बड़ी बम्पर न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स परेशान हो गए थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। रोज़ किसी ना किसी का कोई स्टॉक ESM की स्टेज टू में जा रहा था और ट्रेडिंग बंद हो जा रही थी मंडे। लेकिन यहाँ पर इतना सारा जो सोशल मीडिया पे और इतने सारे जो लोग वीडियोज़ बना रहे थे, है ना, और इतने सारे न्यूज़ में कवरिंग हो रही थी। और अभी जो मैंने कल वीडियो डाला था, अगर आपने देखा हो तो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी ने स्यू कर दिया था, केस कर दिया है, सेट में अपील करी है। तो इन सबका इम्पैक्ट यहाँ पर निकल कर आया है कि सेबी रिवाइज ESM फ्रेमवर्क, स्टॉक्स अलाउड टू ट्रेड ऑन ऑल डेज। बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग ही भैया, जो टेंशन थी, जो लोग निकल नहीं पा रहे थे, पीरियोडिक कॉल ऑप्शन हो रहा था, वो सच में बहुत बड़ा सरदर्द था। मैं खुद परेशान हो गया था, इतने लोग कमेंट आ रहे थे, मैं सबको रिप्लाई करके भी थक जा रहा था और इवन सबको बता के भी कि भाई कैसे आप करें, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल परेशान था। तो ये सच में बहुत बड़ी खबर है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं अभी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बारी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इस पर यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालते रहते, जैसे ये न्यूज़ मैंने पहले ही डाल दी थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये गाइस, मैंने अभी मिष्ठान फूड का एनालिसिस किया, क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी आ रही है। तो ये गाइस आपको देखना चाहिए, लगभग 20% का अपर सर्किट इसने आज मारा था, बहुत तगड़े नंबर पेश किए हैं। और इसके अलावा भी अभी मैं इस लॉन पे भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर टेलीग्राम, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी। तो चलिए अब आते हैं खबर पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियर कट, ये भैया 18 जुलाई की न्यूज़ है और 9:15 के आसपास, और मैं लगभग 9:30-10 के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक देखिए, पहले इन स्टॉक्स में क्या था, ESM की स्टेज टू में डालने पर इनकी ट्रेडिंग वंस अ वीक होती थी और पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के तहत होती थी। तो यहाँ पर भैया इसको अभी इन्होंने रिवाइज कर दिया है, सच में बहुत बड़ा रिलीफ है यहाँ पर रिटेलर के लिए जो पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये आपके लिए एक सबक भी है कि पैनी स्टॉक्स में आपको पूरी अपनी कैपिटल नहीं झुक देनी है, 3-4% लगाना है, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी अब देखिए ऑपरेटर्स यहाँ पर बल्ले बल्ले तो हो ही जाएगी। देखिए ऑपरेटर्स अभी भाग रहे थे इन स्टॉक से जिनका पीरियोडिक कॉल ऑप्शन चल रहा था, तो अब हो सकता है सेबी यहाँ पर रिवाइज करके कुछ और नई चीज़ें ऐड करे या घटाए, ये तो बात का मुद्दा है, जो आएगा मैं आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क और सजग रहना है कि ये नहीं कि भाई यहाँ कूद पड़े, और आपको हो सकता है कि पैनी स्टॉक्स में मूवमेंट भी देखने को मिले कल कई सारे। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ लिखी है, अभी हमने सारी चीज़ें बता दी आपको। और यहाँ पर ये देखिए लिख रहे हैं, मनी कंट्रोल हैड रिपोर्टेड हाउ ESM स्टेज टू वॉज अफेक्टिंग रेपुटेशन ऑफ कंपनीज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक एन ऑनेस्ट लिविंग। बिल्कुल यहाँ पर मनी कंट्रोल बता रहा है कि इसने 17 जुलाई को रिपोर्ट किया था, जबकि मैंने पहला वीडियो जब 5 जून को सर्कुलर आया, मैंने लगभग 8-10 जून को ही वीडियो बना के, लगभग तब से मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ ESM पे, सबको आप लोगों सबको मैंने समझाया भी, और उससे पहले से मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी सारे लगभग 3-4 हज़ार लोगों ने देखा भी उसको। तो खैर ये तो अब इन लोगों की बात है, अब हम लोग अभी छोटे लोग हैं, नहीं इतनी ऊपर तक चीज़ें पहुंचती हैं। खैर आप लोगों ने जिसने भी वीडियो देखा है, कुछ सीखा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और यहाँ पर ये अच्छी खबर तो है ही है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। चलिए धन्यवाद।